दोस्तों, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू तौर से चलाने के लिए लघु उद्योग कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं ये हम सब जानते हैं और ये हमारी सरकार भी अच्छे से जानती है। और शायद यही वजह है कि सरकार आए दिन कुछ ऐसी नई योजनाएं लेकर आती है जिससे इन लघु उद्योग को चलाने वाले लोगों को मदद मिले या फिर कोई उद्योग ऐसा शुरू करना चाहता है तो उसे आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा सके। उन्हीं में से एक है उद्योग आधार। अब उद्योग आधार से जुड़े कई सारे प्रश्न हैं जो लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं और कहते हैं कि इस पर एक वीडियो बनाएं। तो आज हम उद्योग आधार के तमाम पहलुओं को और हर तरीके से उद्योग आधार को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको समझाने की कोशिश करेंगे और इसके पहलुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। तमाम सवाल जो आपके जहन में अब तक थे, आज उन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो के जरिए। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसे माइन्यूट सी चीजें हैं जो आपको बताना बेहद जरूरी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोस, किस टॉपिक पर वीडियोस आपको चाहिए बिजनेस को लेकर। तो चलिए आज बात करते हैं उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की। उद्योग आधार पंजीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योगों को कई लाभ मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपके बिजनेस यानी कारोबार का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आप लघु उद्योगों से लेकर मध्यम उद्योगों का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराकर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उद्योग आधार योजना सरकार की ओर से नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया सकारात्मक कदम है जिसके विषय में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए जानते हैं उद्योग आधार क्या है। उद्योग आधार में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई के रूप में पंजीकृत करने के लिए छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए प्रदान की गई एक अद्वितीय 12 अंकीय सरकारी पहचान संख्या है। उद्योग आधार के पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से होता है। इसके लिए ज्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती। एक या उससे अधिक व्यवसाय का पंजीकरण आप आसानी से करा सकते हैं, वो भी उद्योग आधार पंजीकरण में कम खर्च करके। आपको बता दें, उद्योग आधार ने एमएसएमई पंजीकरण के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को सरल बना दिया है। उद्योग आधार का पंजीकरण का फॉर्म एक पेज का होता है जो कि भरने में बहुत ही सरल होता है। उद्योग आधार में पंजीकरण करवाने से एक सूक्ष्म और लघु उद्योग को सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं मिलती हैं और उन सुविधाओं का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर 2015 को उद्योग आधार के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक नई वेबसाइट पहले से ही शुरू कर दी गई थी। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार शुरू करने के लिए आप UAM वेबसाइट के तहत ऑनलाइन मोड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार के पास आपकी जानकारी होना आवश्यक है। आपका बिजनेस क्या है, आप क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, उसमें किस तरह की सहायता चाहिए या काम में कैसी परेशानी आ रही है, इन सभी बातों का पता सरकार को आपके द्वारा दिए जाने वाली जानकारी और आंकड़ों से लगता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराएं। इस काम को करने के लिए आप उद्योग आधार का सहारा ले सकते हैं। उद्योग आधार क्या है और किस तरह आपके लिए फायदेमंद है, चलिए विस्तार से जानते हैं। आपके बिजनेस और काम का इस तरह होता है आंकलन। उद्योग आधार योजना के अंतर्गत सरकार नए कामों और बिजनेस का आंकलन करती रहती है। आपके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली जानकारियों के माध्यम से और अपने सूत्रों के माध्यम से इस योजना के तहत छोटे और मध्यम तरह के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। यदि एक बार आप इसमें अपने काम का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अधिकतर सरकारी योजनाएं आपको आसानी से मिलती हैं। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके काम से संबंधित हर तरह की सहायता एवं सेवा में सरकार आपको अवगत करती रहती है। रजिस्ट्रेशन के बाद अधिकतर बैंकों से आप लोन भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। उद्योग आधार का इस तरह होता है रजिस्ट्रेशन। उद्योग आधार का लाभ लेने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन दो तरह से करा सकते हैं। पहला, ऑनलाइन उद्योग आधार पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उद्योग आधार पंजीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों के लिए एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योगों को कई लाभ मिल सकते हैं। देश के जो इच्छुक लाभार्थी अपना खुद का व्यापार, व्यवसाय आदि करना चाहते हैं तो वो इस UAM वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कोई भी व्यवसायी या उद्योग UAM वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में पंजीकरण कर सकता है। इसके माध्यम से लघु और मध्यम उद्योगों को उत्पाद शुल्क, विदेशी व्यापार में भागीदारी के लिए सरकारी वित्तीय सहायता, बिजली के बिलों में रियायत आदि का लाभ दिया जाता है। दूसरा, ऑफलाइन आप जिला कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैसे करें रजिस्ट्रेशन? उद्योग आधार एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जो सरकार ने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद के लिए शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड नंबर की मदद से अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं, यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। उद्योग आधार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस आप यहां जानें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए उद्योग आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आप उद्योग आधार की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पा सकते हैं।
हम आपकी सहूलियत के लिए इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बाद आपको बाएं तरफ दो बॉक्स मिलेंगे। पहला आधार संख्या, इसमें आप अपना आधार कार्ड का नंबर दर्ज करें, और दूसरा उद्यमी का नाम, आपका नाम जो आधार कार्ड में लिखा है उसे दर्ज करें। जब आप ये दोनों बॉक्स भर दें, तब ये दोनों बॉक्स भरने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें। उसके कुछ सेकंड्स के बाद आपके आधार कार्ड से लिंक हुए मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा और ब्राउजर के डिस्प्ले पर एक नया टैब खुलेगा। वहां पर आपको प्राप्त हुए ओटीपी को डालना होगा। इसके बाद आपको इसी पेज पर एक नया फॉर्म दिखेगा, जिसे आपको अच्छे से और ध्यान से भरना है। चलिए बताते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। बॉक्स नंबर 4 पर सामाजिक वर्ग, जैसे आप जनरल एससी एसटी ओबीसी में से जो हैं, उस हिसाब से अपना वर्ग चुनें। बॉक्स नंबर 5 में अपना जेंडर, यानी आप स्त्री या पुरुष हैं, यहाँ भर दें। बॉक्स नंबर 6 में आपको शारीरिक रूप से विकलांगता की जानकारी में हाँ या ना को चुनना है। बॉक्स नंबर 7 में उद्यम का नाम, यहाँ आपको अपनी कंपनी या व्यापार का नाम लिखना होगा जिसके नाम से आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। अगले 8वें नंबर के बॉक्स में संगठन का प्रकार, यानी आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की है, ऊपर दी हुई लिस्ट में से चुनना होगा। उसके बाद बॉक्स नंबर 9 में पैन संख्या की जगह पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर दर्ज करना होगा। इसे बड़ी सावधानी से सही भरें। इसके नीचे बॉक्स नंबर 12 पर संयंत्र के स्थान में आपको अपनी कंपनी के फैक्ट्री या उत्पादन का पता लिखना होगा, यानी आप जिस जगह पर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं वहां का एड्रेस लिखना। अगले स्टेप में आपको बॉक्स नंबर 13 में आधिकारिक पते में, जहां आपकी कंपनी का ऑफिस है, वहां का पता डालना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें, और बॉक्स नंबर 16 पर बिजनेस के प्रारंभ की तिथि, यानी कि आपने जिस दिन अपना कारोबार शुरू किया उसकी तारीख कैलेंडर के बटन पर क्लिक करके दर्ज करें। अब बारी आती है बॉक्स नंबर 12वें की, जिसमें आपको EM1, EM2, SSI, UAM में से किसी एक को चुनना है। ये सभी फॉर्म है। यदि आप अपने बिजनेस के लिए इसमें से कोई भी फॉर्म पहले भरा है, यानी कि पहले आपने बिजनेस के लिए इनमें से कोई भी कैटेगरी में आवेदन किया है, आप इसमें से कोई एक को चुने। यदि आपने इसमें से किसी में भी पहले कोई आवेदन नहीं किया और आप पहली बार उद्योग आधार में आवेदन कर रहे हैं, तो NA को चुने। बॉक्स नंबर 19वें पर IFSC कोड दर्ज करें, यानी कि आप अपने बैंक का IFSC कोड बॉक्स में ऐड करें। बॉक्स नंबर 18, साथ ही आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक खाता संख्या ऐड करें। ध्यान दें, खाता संख्या आपको बहुत ध्यान से दर्ज करना है। मेन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, इकाई का प्रमुख गतिविधि, बॉक्स नंबर 20 में आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस प्रोवाइडर। बॉक्स नंबर 21 में NIC कोड को स्किप कर दें, क्योंकि नीचे के स्टेप्स को चुनने के ये फॉर्म अपने आप NIC कोड प्रदान करते हैं। इसके बाद नीचे के दिए हुए 3 बॉक्सेस में अपने कारोबार को सही तरीके से आप NIC कोड पा सकते हैं। उसके बाद अंत में आपको बॉक्स नंबर 24 में व्यक्ति नियोजित में जितने भी लोग आपकी कंपनी या व्यापार में जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या दर्ज करनी होगी। इसके बाद बॉक्स नंबर 25 में निवेश में जितना भी आपने अपने व्यापार में लगाया है, उसी राशि लाखों की गणना में लिखनी होगी। सोचिए, आपने अपने व्यापार में 2,00,000 रुपए निवेश किए हैं, तो 2 लिखते हैं। अंत में आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। फॉर्म कंप्लीट भर दिए जाने के बाद और उसके अप्रूव हो जाने के बाद आपको एक उद्योग आधार कार्ड मिलेगा। इस उद्योग आधार कार्ड के लिए आप किसी भी बैंक में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको दोबारा आपका OTP पूछा जाएगा, उसे दर्ज करने के बाद आपको नीचे दिए गए फॉर्म के जैसा एक उद्योग आधार एक्नॉलेजमेंट फॉर्म प्राप्त होगा। इसे प्रिंट कर अपने पास रखिए। इस उद्योग आधार एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में उद्योग आधार योजना से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। आप वहां से भी जानकारियां पा सकते हैं। उद्योग आधार और MSME रजिस्ट्रेशन वेबसाइट लिंक आप इस लिंक के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, उद्योग आधार के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आपको तुरंत ही उद्योग आधार मेमोरेंडम के तहत उद्योग का आधार नंबर मिल जाएगा। इस नंबर का मिलने का मतलब है अब से आपके काम की पहचान सरकार के पास है, और भविष्य में मिलने वाली योजनाओं और सेवाओं की जानकारी के लिए आप इसी नंबर द्वारा लाभार्थी हैं। उद्योग आधार के इस तरह के मिलेंगे लाभ। रजिस्ट्रेशन के बाद हर तरह की सरकारी योजना का लाभ आपको सबसे पहले मिलेगा। आपके व्यापार की कोई नकल नहीं कर सकता, और अगर कोई करता है तो आप आसानी से केस कर सकते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर आपका व्यापार और उससे जुड़ी सभी अधिकार आपके पास सुरक्षित हैं। इस काम में आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और घर बैठे इसे किया जा सकता है। एक्साइज की छूट, प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत छूट दी जाएगी। शुल्क में कमी के पेटेंट और ट्रेडमार्क क्रेडिट गारंटी योजना, सरकारी योजना के लाभ जिनमें बिना गारंटी ऋण, ऋण पर कम ब्याज दर और आसान ऋण शामिल होंगे। विदेशी व्यापार में भागीदारी के लिए सरकार वित्तीय मदद प्रदान करेगी। बिजली बिलों में रियायत मिलेगी। सरकारी निविदाओं के लिए आवेदन करने पर छूट मिलेगी।
उद्योग आधार के तहत इन उद्योगों को मिल रही है सबसे पहले प्राथमिकता। जैविक साबुन, सर्फ या तेल बनाने वाले बिजनेस, चॉकलेट बनाने वाले बिजनेस, बिस्किट या बेकरी का काम, दूध, दही, मक्खन, घी या पनीर से जुड़ा व्यापार, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप आदि बनाने का व्यापार, टॉफी, गुड़ या चीनी बनाने का व्यापार, सोडा जूस, जलजीरा या फ्लेवर ड्रिंक आदि बनाने का व्यापार, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग का या अन्य कोई व्यापार आदि। लघु उद्योग के लिए लोन कैसे लें? भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। इस योजना के तहत प्लांट या मशीन आदि के लिए 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लघु उद्योग की सबसे खास बात यह है, इसके लिए आपको बहुत कम निवेश करना पड़ता है। तो देखा आपने उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, आप किस तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका आवेदन भर सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी सवाल आपके जहन में हैं उन सवालों का जवाब हमने इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है हमसे, या फिर आपने कोई ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब आप तक नहीं पहुंच पाया है, या फिर कुछ और आपके दिमाग में क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम अगला वीडियो उस सवाल के जवाब पर जरूर बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।